मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार के। एमपी के इंदौर में सिटी बस के ड्राइवर और कंडक्टर को चाकू से धमकाने वाले गुंडे को पुलिस ने उसी के अंदाज में सबक सिखाया है। जिस हाथ में चाकू था अब उस हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है। साथ ही जिस बस में रंगदारी की उसमें पोछा लगवाकर साफ सफाई भी करवाई गई और शहर की गलियों में जुलूस निकाला गया। यही नहीं, बस ड्राइवर और कंडक्टर से माफी भी मंगवाई गई। सिटी बस में हुई इस घटना की सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे बदमाशों के हाथ में चाकू है। रंगदारी जमा कर 500 रुपए मांग रहे थे, मगर इन्हें क्या पता था कि मध्य प्रदेश की पुलिस इनकी रंगबाजी निकाल देगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब ये दोनों नाच पीटे उस वक्त को बस में पोछा लगाते हुए कोस रहे हैं जब ये चाकू लेकर बस में चढ़े थे। इन रंगबाजों का अब हाल देखो, गलियों में इनका जुलूस निकाला गया, बस में पोछा लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवर दीपक रमेश की शिकायत पर दोनों बदमाश अंकित और अतुल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, और साथ ही गलियों में इनका जुलूस निकालकर उस बस में इनसे पोछा लगवाया गया जिस बस में ये रंगदारी दिखा रहे थे। Yeah.